नमस्कार। विज्ञान प्रौद्योगिकी आविष्कार और नवाचार से जुड़े देश के पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। एक नए अंक के साथ मैं राकेश अंदानिया एक बार फिर से हाजिर हूं। आज जानेंगे मिर्गी की पहचान करने वाली एक नई और कारगर तकनीक और चाय की खेती को बचाने वाले एक बैक्टीरिया के बारे में। विज्ञान जगत की खबरों के साथ साथ पलटेंगे इतिहास के पन्नों को भी, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस अंक की सुर्खियों पर। मिर्गी की पहचान करने वाली तकनीक विकसित, कम लागत पर हो सकेगी बीमारी की पहचान। अब चाय बागानों की रक्षा करेंगे बैक्टीरिया, वैज्ञानिकों ने विकसित किया सूक्ष्म जीव आधारित बायो फार्मुलेशन। देश और दुनिया में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़ी ताजा गतिविधियां साइंस एक्सप्रेस में। हिस्ट्री ऑफ साइंस में पलटेंगे इतिहास के पन्ने, जानेंगे महत्वपूर्ण दिनों से जुड़ी वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में। और अब खबरें विस्तार से। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस यानी NTD, ये वो बीमारियां हैं जो दुनिया भर के गरीब समाज या समुदाय में पाई जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने ऐसी 20 बीमारियों की लिस्ट तैयार की है जो NTD डिजीजेस में शामिल है। भारत में भी ये बीमारियां व्यापक तौर पर पाई जाती है जो काफ़ी हानिकारक होती है। इसी कड़ी में IIT मंडी के वैज्ञानिकों ने एक तकनीक विकसित की है जो कम लागत पर NTD की एक बीमारी न्यूरोसिस्टोसर्कोसिस यानी मिर्गी की पहचान कर सकती है। विस्तार से जानने के लिए देखिए ज्ञान विज्ञान की ये रिपोर्ट। भारत में व्यापक रूप से प्रचलित नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज यानी NTD में से एक है टेनिएसिस सिस्टिस सर्कोसिस, जो एक टेपवर्म टीनिया के संक्रमण के कारण होता है। इस परिजीवी का खतरा उन समुदायों में ज्यादा होता है जहां सुअर खुले रूप से घूमते हैं और मानव आबादी के साथ रहते हैं। इस परिजीवी के लिए मानव पहले और सुअर दूसरे होस्ट होते हैं। इधर उधर घूमने वाले सुअर जब परिजीवी के अंडे युक्त मानव मल को खाते हैं तो ये पोर्सिन सिस्टिस सर्कोसिस उत्पन्न करते हैं, और जब मानव उसी सुअर का आधा पका हुआ पोर्क खाते हैं तो ये इनकी आंत में वयस्क टेपवर्म के रूप में परिपक्व होकर अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। एक टीनिया कैरियर यदि खुले में शौच करता है तो वे वातावरण में अंडे छोड़कर पानी और मिट्टी को दूषित करते हैं। ये अंडे पौधे और पानी के द्वारा मानव और सुअरों तक पहुंचते हैं। एक बार शरीर में प्रवेश करने के बाद ये किसी भी अंगों में पहुंचकर सिस्टिस सर्की में बदल जाते हैं। वहीं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचकर ये NCC यानी कि न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस नामक बीमारी उत्पन्न करते हैं जो मिर्गी का प्रमुख कारण बनता है। इंडिया में ऐसे भी बच्चों में पेट की कृमि होना बहुत ही सामान्य सी बात है। कुछ स्टडी में ऐसा भी पाया गया है कि ऑलमोस्ट 25% बच्चे जो रूरल एरिया में हैं उनको एक ना एक बार ये पेट की कृमि होती है। एक पेट की कृमि होती है जो टेपवॉर्म के थ्रू होती है, ठीक है, जिसको हम लोग पोर्क टेपवॉर्म भी बोलते हैं। इस पोर्क टेपवॉर्म से कभी कभी इसके दाने दिमाग में चले जाते हैं तो वो मिर्गी करता है, ठीक है। और ये मिर्गी अब इंडिया में बहुत ही सामान्यतः पाई जाती है, जो कि पहले की स्टडी में पाई गई है। इवन जो न्यू ऑनसेट एपिलेप्सी होती है 40% केसेस तक हो सकती है। MRI और CT स्कैन द्वारा इस बीमारी की पहचान के बाद ही इलाज शुरू हो पाता है, लेकिन महंगा होने के कारण ये गरीब समुदाय की पहुंच से दूर है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल अटलांटा द्वारा विकसित सीरोलॉजिकल टूल एंजाइम इम्यून इलेक्ट्रोट्रांसफर ब्लास्ट यानी कि EITB स्थानिक आबादी में अनेक पैथोजेंस के संपर्क में रहता है, इसलिए इसकी विश्वसनीयता में कमी है। इसके अलावा ये परजीवी की संख्या और स्टेज की भी जानकारी नहीं देता, जो उपचार के लिए बेहद जरूरी है। इसी कड़ी में IIT मंडी के वैज्ञानिकों ने परिजीवी से अधिक विशिष्ट और आसानी से पहचाने जाने वाले एंटीजन का उपयोग करके स्थानिक आबादी के लिए एक नया और आसान EITB विकसित किया है। EITB CDC से 15 गुना कम खर्चीला है, जिसकी लागत 17 से 18 रुपए प्रति प्रतिक्रिया है। कोई भी देखभाल इकाई इनका उपयोग कर सकती है। हम लोगों ने अपने स्टडी में पाया कि जो हमारी किट है ये 80% केसेस में स्पेसिफिक है और 75% केसेस में सेंसिटिव है। तो हम लोगों ने पाया कि ये डिफ्रेंशिएट भी कर सकता है कि मस्तिष्क में एक कीड़ा है, दो कीड़ा है या तीन ज़्यादा कीड़े हैं।
ठीक है, इस तरह का किट पहले भी बना हुआ था, पर उनका इंडिया में यूज़ करने पे पता चला कि वो काफ़ी ही फॉल्स नेगेटिव देते हैं। तो ऑलमोस्ट 60-70% ऑफ पॉपुलेशन ऐसे ही पॉजिटिव हो रही थी। तो ये काम मैंने अपने कोलेबरेटर्स प्रोफेसर गगनदीप सिंह, जो दयानंद मेडिकल कॉलेज में हैं, उनके साथ मिलकर के किया, और हम लोगों ने इस किट को इंडिया के लिए ऑप्टिमाइज़ किया, और अभी इसको और फर्दर आगे स्टडी के लिए ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। सामुदायिक स्क्रीनिंग और उन्मूलन कार्यक्रमों की निगरानी के लिए कम लागत वाले नैदानिक उपकरण विकसित करना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि ये गरीब समुदाय तक आसानी से पहुंचाया जा सके। इससे पहले कि हम अगली खबर की तरफ बढ़ें, क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड एनटीडी डे कब मनाया जाता है? यह दिन हर वर्ष दुनिया भर में 30 जनवरी को मनाया जाता है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जलवायु परिवर्तन और कीटों के प्रकोप ने चाय बागानों के उत्पादन को पिछले कुछ समय से काफी प्रभावित किया है। वहीं दूसरी ओर रसायनों और कीटनाशकों के छिड़काव से पौधों के साथ साथ मानव स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने ऐसे सूक्ष्म जीवों की पहचान की है जो चाय के उत्पादन को बढ़ाने में मदद करेंगे। कैसे, जानने के लिए देखिए ज्ञान विज्ञान की ये रिपोर्ट। अनियमित जलवायु परिवर्तन के कारण विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत में चाय के उत्पादन में गिरावट आई है। चाय के पौधे फंगल पैथोजेंस और कीटों के प्रति भी अति संवेदनशील होते हैं। चाय के उत्पादन को बढ़ाने के लिए रासायनिक कीटनाशकों और फफूंद नाशकों का अत्यधिक उपयोग मानव और मिट्टी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। इसी कड़ी में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के गुवाहाटी स्थित स्वायत्त संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कार्यरत डॉक्टर देबाजी ठाकुर और उनके शोध दल ने चाय के पौधों से जुड़े कल्चरेबल एंडोफाइटिक सूक्ष्म जीवों का पता लगाया है, जिसके द्वारा पौधों की वृद्धि और रोगों की रोकथाम के लिए पर्यावरण के अनुकूल बेहद कम रसायनों के साथ चाय की खेती के लिए बायो फार्मुलेशन विकसित किया जा सकेगा। शोधकर्ताओं ने पाया कि टी क्लोन से अलग किए गए एंडोफाइटिक एक्टिनोबैक्टीरिया संभावित बायो कंट्रोल एजेंटों के रूप में कार्य करते हैं। ये फंगल पैथोजन के विकास को रोककर चाय के पौधों में होने वाली बीमारियों को रोक सकते हैं। फ्रंटियर इन प्लांट साइंस में प्रकाशित इस शोध में शोधकर्ताओं ने 88 एंडोफाइटिक एक्टिनोबैक्टीरिया की आणविक अनुवांशिक विविधता के बारे में बताया है, जो असम और मेघालय में लगाए गए वाणिज्यिक चाय क्लोनों से जुड़ा बैक्टीरिया का सबसे बड़ा टैक्सोनॉमिक ग्रुप है। शोधकर्ताओं ने अध्ययन में पाया कि इनमें से ज्यादातर बैक्टीरिया में फाइटोस्टिमुलेशन, बायोफर्टिलाइजेशन और बायोकंट्रोल द्वारा पौधों में वृद्धि करने की क्षमता है। साथ ही उन्होंने पाया कि बैक्टीरिया फाइटोहार्मोन एंडोल एसिटिक एसिड उत्पादित करते हैं, जो कोशिका विभाजन को नियंत्रित करता है और पौधों में वनस्पति विकास को उत्तेजित करता है। इसके साथ साथ एक्टिनोबैक्टीरिया जैविक नाइट्रोजन निर्धारण और फॉस्फेट घुलनशीलता में मदद कर मिट्टी की उर्वरकता को भी बढ़ाते हैं। एक्टिनोबैक्टीरिया जो अमोनिया उत्पन्न करते हैं, वो पौधों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। पर्यावरण के अनुकूल ये विकल्प विकास को बढ़ावा देने और एंटीफंगल गुणों के साथ व्यावसायिक चाय बागानों में रोग नियंत्रण के लिए रसायनों के उपयोग को कम करेगा। ये उत्पाद चाय के पौधों और बागानों में होने वाली फ्यूजेरियम डाई ब्लैक, ब्लैक रॉट, रेड रस्ट, मेलीबर्ड बीमारियों को रोकने में भी प्रभावी है। फिलहाल माइक्रोबियल स्ट्रेन द्वारा बायोएक्टिव मेटाबोलाइट्स के उत्पादन की टेक्नोलॉजी को इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुवाहाटी और असम स्थित एक कंपनी ग्रीन हार्वेस्ट बायोटेक के बीच एक समझौते के साथ ट्रांसफर किया गया है। और अब साइंस एक्सप्रेस में नजर डालते हैं विज्ञान जगत की कुछ और ताजा गतिविधियों पर। लद्दाख स्थित हानले वेधशाला और दुनिया के 10 टेलीस्कोप्स की मदद से वैज्ञानिकों ने बीएल लेसर्टे नाम के ब्लेजार की चमक को देखा है। ये पृथ्वी से 95 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ब्लेजार खास तरह की गैलेक्सी होती है, जिसे एक शक्तिशाली ब्लैक होल ऊर्जा देता है और इससे ब्रह्मांड के सबसे चमकीले और शक्तिशाली पिंड बन जाते हैं। ब्लेजार को अति उच्च ऊर्जावान कणों को उत्सर्जित करने वाले पिंडों में गिना जाता है, जिसमें गामा विकिरण, एक्स विकिरण और रेडियो तरंगे शामिल हैं।
भारत के रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में पोस्ट डॉक्टोरल फेलो अदिति अग्रवाल की अगुवाई में टीम ने इस बीएल ब्लैक ब्लेजर का अध्ययन किया है। स्प्रिंट को करीब एक सदी पहले ही सबसे पहले देखा गया था और तभी से यह धीरे धीरे अपने शीर्ष चमक की स्थिति की ओर बढ़ रहा है। भोपाल के भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं ने कार्बनिक अणुओं का एक नया परिवार बनाया है जो नियर इंफ्रारेड यानी NIR लाइट उत्सर्जित कर विभिन्न एप्लीकेशन के लिए OLED के क्षेत्र में कई संभावनाएं खोल रहा है। प्रोफेसर जयरामन शंकर के नेतृत्व में उनकी टीम द्वारा किया गया यह शोध इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया भर में NIR उत्सर्जक OLED विकसित कर पाना एक चुनौतीपूर्ण प्रयास रहा है। रणनीतिक रूप में नाइट्रेशन का उपयोग करके NIR उत्सर्जक के साथ इलेक्ट्रॉन कमी वाले अणुओं को प्राप्त करने के लिए टीम द्वारा अपनाया गया यह दृष्टिकोण अनूठा है। इस शोध को रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के केमिकल साइंस के प्रतिष्ठित जर्नल में प्रकाशित किया गया है। लाइट उत्पन्न करने वाले डायोड या LED जो छोटे लाइट उत्सर्जित उपकरण होते हैं उनका उपयोग आमतौर पर टेलीविजन स्क्रीन, गैजेट डिस्प्ले आदि के एप्लीकेशन में किया जाता है। ये पारंपरिक फिलामेंट बल्बों से अलग होते हैं क्योंकि बल्ब गर्म होने पर लाइट उत्सर्जित करते हैं जबकि LED से तब लाइट उत्सर्जित होती है जब बिजली इलेक्ट्रॉनों के रूप में इसके माध्यम से गुजरती है। OLED LED का ही एक रूप है जहां लाइट उत्सर्जक सामग्री कार्बनिक अणु होते हैं। ये रसायन बड़े पैमाने पर कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने एक नया तरीका विकसित किया है जो सोडियम ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड आधारित कैथोड पदार्थ की वायु जल अस्थिरता और स्ट्रक्चरल कम इलेक्ट्रोकेमिकल इनस्टेबिलिटी को एक साथ संबोधित कर सकेगा। इसी अनुसार एक नया वायु जल स्टेबल और उच्च क्षमता वाला कैथोड विकसित किया गया है। विकसित किया गया नया पदार्थ हवा और पानी के संपर्क में हाई इलेक्ट्रोकेमिकल साइक्लिक स्टेबिलिटी को प्रदर्शित करता है। इसलिए ये लागत प्रभावी और टिकाऊ ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के रूप में विभिन्न अनुप्रयोगों जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ग्रिड एनर्जी स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ एनर्जी और इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए उपयोगी है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थान सर्प के सहयोग से किए गए शोध को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई के प्रोफेसर अमर्त्य मुख्योपाध्याय और उनकी टीम ने किया है। इतिहास के पन्नों में दर्ज वैज्ञानिक उपलब्धियों को जानने के लिए आइए देखते हैं ज्ञान विज्ञान का स्पेशल सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ साइंस। मई 25, 1940 को पहली बार पेनिसिलिन का परीक्षण किया गया। ये परीक्षण 8 स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से संक्रमित चूहों पर किया गया। इनमें से 4 चूहों को पेनिसिलिन का इंजेक्शन दिया गया। सुबह जिन चूहों को इंजेक्शन नहीं दिया गया था वो मर गए जबकि जिन्हें पेनिसिलिन का इंजेक्शन दिया गया था वे काफी दिनों तक जीवित रहे। मई 1908 को दो बार नोबेल पुरस्कार विजेता रहे अमेरिकी भौतिकशास्त्री जॉन बार्डिन का जन्म हुआ था। उन्होंने 1956 में ट्रांजिस्टर की खोज के लिए विलियम शॉकले और वॉल्टर ब्रटेन के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार साझा किया। 1972 में जॉन बार्डिन ने सुपर कंडक्टिविटी सिद्धांत जिसे BCS सिद्धांत भी कहते हैं के विकास के लिए फिर से लियोन कूपर और जॉन श्राइफर के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार साझा किया। मई 585 ईसा पूर्व को पहली बार अनुमानित सूर्य ग्रहण देखा गया था। थेल्स का ग्रहण एक सूर्य ग्रहण था जिसकी ग्रीक के इतिहासकार हेरोडोट्स के अनुसार यूनानी दार्शनिक थेल्स ऑफ मिलेट्स द्वारा सटीक भविष्यवाणी की गई थी। थेल्स ने कैसे इतनी सटीक भविष्यवाणी की ये अनिश्चित है। कुछ विद्वानों का दावा है कि ग्रहण की कोई भविष्यवाणी नहीं की गई थी लेकिन ये ग्रहण केवल ऐतिहासिक घटना की व्याख्या करने के लिए आवश्यक शर्तों से मेल खाता है। 28 मई 2003 को पहला क्लोन घोड़ा प्रोमीटिया इटली के एक प्रांत में पैदा हुआ। सेजेर गली और उनके साथियों ने क्रिमोना में लेबोरेटरी ऑफ रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी प्रयोगशाला में प्रोमीटिया को मां से ली गई त्वचा कोशिका के केंद्रक को दूसरे घोड़े के खाली अंडे से मिलाकर विकसित किया। गली कहते हैं कि क्लोनिंग घोड़े अच्छी नस्लों को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। तो आज के अंक में बस इतना ही। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और आविष्कार की ताजा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।
है।